एज इट इज़ है। और मैं क्या लगाती हूँ आज आपको ये सीक्रेट बताने वाली हूँ और आप इसको लगते हैं वैसे तो लेंथ तो मैं वो कर नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। और आज मैं आपको हेयर फॉर्म करके पहले तो दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे गीले बाल हैं देखो। और ये देखो बालों में शाइनिंग भी मेरी एज इट इज़ है। और मैं क्या लगाती हूँ आज आपको ये सीक्रेट बताने वाली हूँ और आप इसको जो मैं रेमेडी आपको बताऊँगी उसको यूज़ करने से डेफिनेटली आपके हेयर फॉल जो होता है आपके हेयर्स में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और डैंड्रफ वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा और न्यू हेयर ग्रो हो। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक कप पानी लेंगे फ्राई पैन में और उसमें हम डालेंगे मेथी दाना। और मेथी दाना सबके घर में होता है। और चाय की पत्ती, आप कोई भी जो भी चाय की पत्ती आपके घर में होगी वो आप डाल सकते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स और काफ़ी हाइड्रेट करता है ये हेयर्स को। और इस वजह से मेथी दाने में तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा पोषण तत्व होते हैं। और मेथी दाना हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोग मतलब गूगल सर्च भी कर सकते हैं। और मेथी दाने के कितने बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ से, हेल्थ के रिगार्डिंग हो चाहे हेयर्स के रिगार्डिंग हो, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक होगी तो सिंपल सी बात है हेयर्स भी हमारे ग्रो करेंगे, हेल्थ के साथ साथ ही हमारे हेयर्स भी अच्छे रहेंगे। तो क्यों ना हम इस मेथी को यूज़ करके अपने हेयर्स को और भी ग्रोथ करें और अपने हेयर्स को हेल्दी और शाइनी बनाएं। तो इसीलिए मैंने ये वाटर जो बनाया है, इसमें जब कलर आ गया और जब ये बिल्कुल हाफ़ हो जाता है तो इसको हाफ़ उतार करके छान लें और ये मैंने बाउल में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। फिर कॉफ़ी पाउडर लेना है हमें, कॉफ़ी में काफ़ी कैफीन होता है और ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे जितने भी हेयर फॉल का वो है प्रॉब्लम और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है जितना भी, तो वो सब दूर हो जाता है इससे। तो कॉफ़ी ज़रूर ऐड करिए आप। और ये भी सिंपल सी किचन में मिलने वाली एक चीज़ है क्योंकि कॉफ़ी भी सब लोग रखते हैं, तो कॉफ़ी भी आपको इजीली मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन ई का मैंने कैप्सूल लिया है और आपके पास रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये है कि आपका काफ़ी दिन चलेगा और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है ये, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को दूर करने के लिए और हेयर डैंड्रफ को दूर करने के लिए। और अगर हेयर्स में मतलब जैसे स्कैल्प पर थोड़ी इचिंग टाइप का होता है तो उसके लिए मेरे खुद के आप हेयर्स देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरे नकली बाल हैं मेरे ओरिजिनल हेयर्स हैं। और आप शाइन भी देख सकते हैं, कितने शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर्स। तो पहले मैं आपके साथ पहले हेयर कॉम्बिंग शेयर करती हूँ, ठीक है? क्योंकि किस टाइप से मैं जब मेरे मैं हेयर वॉश करती हूँ, हेयर वॉश करने के बाद मैं किस तरह से अपने हेयर्स को जो कॉम्बिंग है वो करती हूँ। और ये भी मेरे पास बहुत सारे वीडियो मतलब रिक्वेस्टेड कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि आप लोगों को ये जानना था कि मैं क्या यूज़ करती हूँ जिससे मेरे हेयर्स जो हैं वो इतने लेंथी हैं, मतलब इनकी जो लेंथ है काफ़ी लंबी है। मेरे हेयर्स की लेंथ कम से कम आप खुद देख सकते हैं 1.5 मीटर से लंबे होंगे वैसे तो लेंथ मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे नी से नीचे तक ही आते हैं हेयर्स। और बाकी कॉम जब भी करते हैं हमेशा तो हमें सबसे पहले जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए बाल हैं फिलहाल क्योंकि वॉश करने के एकदम बाद में आ गई हूँ। और फिर मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, सबसे पहले हमें नीचे से इसको स्टार्ट करना होता है सामने को इस तरह से। अगर आप इस तरह से हेयर कॉम्बिंग करते हैं तो कभी भी आपके बाल ना उलझेंगे नहीं, मतलब हेयर फॉल नहीं होगा ज़्यादा, आपके बाल नहीं निकलेंगे। और देखो 40-50 बाल तो डेली के निकलना ये तो एक कॉमन सी बात है क्योंकि ये नेचुरली है, इतने तो हेयर हमेशा निकलते ही हैं। बट हाँ, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसका कारण हो सकता है आपके जो बालों में पोषण नहीं मिल पा रहा है आपके हेयर्स को, जैसे आपके हेयर्स की ग्रो होनी चाहिए वैसे आपके ग्रोथ हो नहीं पा रही है हेयर्स की, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए वो ही मैं बात बताऊँगी आपको। और कुछ भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, आपके घर में आपके किचन में ही वो सब मिल जाएगा आपको।
और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ है, अगर वो भी आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। बट हाँ, दो चीज़ तो उसमें ऐसी हैं कि जो आपके किचन में ही मौजूद हैं और आपको यूज़ करनी चाहिए, और आप डेली अगर उसको अपने रूटीन में ले आओगे तो फिर आकर के आप मुझे कमेंट करना कि हाँ मेरे बालों का हेयर फॉल होना मेरे को दूर हो गया है। और देखो मैंने ऐसे अपने डिटेंगल करे हैं अपने हेयर्स, तो आप खुद देख सकते हैं मेरे हेयर्स, ना तो मेरे हेयर्स कहीं से भी वाइट हैं ना ग्रे हैं, ये ओरिजिनल शाइन है। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो जो मैंने अभी रेमेडी बताई थी आपको बनानी, वो मैंने इस बाउल में ले रखी है। आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में यूज़ कर सकते हैं डाल करके, और नहीं तो फिर आपके पास कॉटन तो घर में हो गई, आप उसको ऐसे अपने कॉटन में लीजिए, ठीक है। और फिर आप इसको ऐसे ऐसे करके अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए, ठीक है। पहले अपने पूरे स्कैल्प पर लगाना है आपको इस तरह से। और जो चीज मैंने इसमें आपको बताई है, तो उसमें देखो मेथी भी सबके घर में होती है, चाय की पत्ती भी सबके घर में होती है, ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो भी आपके ऑप्शनल हैं, और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आपका ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस ये है कि बेनिफिशियल होता है, थोड़ा अच्छा रहता है हेयर्स के लिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ चाय की पत्ती और मेथी दाना इन दोनों को पकाएं, और डेली आप अपने हेयर्स में यूज़ करें, और कम से कम वन आवर तक आप इसको लगा के रखें, और फिर किसी भी मालिश शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको, ऐसे भी अगर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेयर्स में, और कोई ऑयल वो नहीं आएगा। थोड़ी देर मतलब आप रख सकते हैं इसको, और आप इसको देखो वन आवर के बाद आप इसको हेयर वॉश करिए, किसी भी मालिश शैम्पू से आप यूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं हेयर्स को, और फिर अपने हेयर्स की शाइन देखना और अपने हेयर्स की ग्रोथ देखना धीरे धीरे कैसे हो जाएगी। और इसमें एक इतना प्यारा सा आप देख सकते हैं इस पानी में टेक्सचर आया है, कितना प्यारा सा कलर आया है, ये भी आपके बालों में कलर नेचुरल हो जाएगा, और बहुत प्यारे लगते हैं जब बाल ब्राउनी ब्राउनी टाइप के थोड़े से होते हैं और हल्के हल्के से शाइन सी रहती है उनमें, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे करके आप पूरे अपने रूट्स पर लगाएं, और कॉटन में यूज़ कर करके आप ऐसे लगा सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद आप ऐसे करके इसको पूरी अपनी लेंथ पर लगा, और आप इसको फ्रिज में रखें, और चाहे आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, ये आपका वन मंथ तक आराम से चल सकता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आती है। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सॉल्यूशन बताऊंगी, और आप मेरे टिप्स को फॉलो करा करिए, और फॉलो करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे दी हुई टिप्स कैसे लगे हैं, आपके हेयर्स में इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, और फिर बताना कि हेयर ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, और आपके हेयर फॉल होना रुका है या नहीं रुका है।
जब आप यूज़ करेंगे जब आपको पता चलेगा, बिना यूज़ करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट है। क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ और आप मेरे हेयर्स देख भी सकते हैं। ये देखो मैंने पूरा स्कैल्प पर भी और इस पर भी अच्छे से लगा लिया है। और जब ये सूख जाएगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई चिपचिपापन टाइप का हो या ऑयली टाइप का हो, कुछ नहीं है। आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी मेरी सेम नाम से है और मैं इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मेरे पास इंस्टा पर भी आते हैं काफ़ी वीडियो कि हेयर से रिलेटेड, क्योंकि लॉन्ग हेयर्स आप मेरे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरे टिप्स फॉलो करने के लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहती हूँ कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है हेयर से रिलेटेड वो सब दूर हो जाएं और आपके हेयर्स भी बहुत लंबे लंबे हो जाएं, और जिनको लंबे बाल पसंद हैं तो उनके लंबे हो जाएं, ग्रोथ भी हो जाए और हेयर फॉल होना बिल्कुल बंद हो जाए। अब देखिए अब मेरे हेयर्स की शाइन, ये देखिए मैं आपको टेक्सचर भी दिखा रही हूँ बिल्कुल, और आप देख सकते हैं ये देखिए। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं आप पूरी अपनी लेंथ दिखाइए, तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ मैं तो, ठीक है। बाकी तो आप देखते ही रहते हैं वीडियोस में। देखिए तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल प्रेस जरूर करें बेल नोटिफिकेशन के लिए। मेरे ऑल नोटिफिकेशन जितनी भी नई नई वीडियोस आती हैं उस सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नए टिप्स को फॉलो करें। और आई होप आप सबके हेयर्स भी अच्छे ग्रो करेंगे और हेयर फॉल होना, डैंड्रफ होना, ये सब आपका दूर हो जाएगा, छुमंतर हो जाएगा। और आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, जो भी सॉल्यूशन आपको पूछना है हेयर से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।